हेलो फ्रेंड्स, आदित्य श्रीवास्तव फ्रॉम प्रोफेशनल के एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एमबीबीएस एडमिशन इंडिया के बारे में। इंडिया में जैसा कि सेकंड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट है, आपका यूपी स्टेट की काउंसलिंग भी स्टार्ट है, आपका एमसीसी की काउंसलिंग भी स्टार्ट है, कर्नाटका बोर्ड के भी आपके कर्नाटका के भी आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होने का टाइम आ गया है, हुआ है। स्टूडेंट फॉर्म वगैरह भर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर कर्नाटका का भर रहे हैं या यूपी का भर रहे हैं तो क्या स्कोर में आपको प्राइवेट कॉलेज मिल पाएंगे। आज प्राइवेट कॉलेज के बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसा कि आप चाहते हैं इंडिया में ही एडमिशन हो, आपको प्राइवेट कॉलेज टॉप के मिलें, तो उस हिसाब से आपका स्कोर होना चाहिए इंडिया के लिए। और जिन स्टूडेंट्स का स्कोर लो है, यानी कि वो जस्ट पास हैं या 250 या 350 या 400 के नीचे स्कोर है उनका, तो उनके लिए मैं आपको बताऊँ टॉप प्राइवेट कॉलेज जो चाहते हैं तो कौन सा टॉप प्राइवेट कॉलेज उनके लिए होगा। अगर आपका स्कोर 400 प्लस है तो आप अपने मनचाहा कॉलेज प्राप्त कर सकते हैं, पर उसमें मैं आपको बताऊँ कर्नाटका बोर्ड के कॉलेज आपको नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि कर्नाटका की जो रैंकिंग है वो आपने लास्ट ईयर भी देखा हो काफ़ी हाई है और इस बार भी हाई जा रही है। 400 प्लस में आपको यूपी के आपके जो भी आप कॉलेज चाहेंगे वो कॉलेज आपको मिल जाएगा। जैसे अगर यूपी की बात करें, राम मूर्ति है टॉप में आते हैं, और आपके जो है हिंद है, एरा है, ये सारे कॉलेज आपको 400 के स्कोर में सेकेंड काउंसलिंग में मिल जाएंगे। अब जिनका स्कोर 300 प्लस है तो उनको भी यूपी ट्राई कर सकते हैं, यूपी में कुछ कॉलेज आपको मिल जाएंगे, क्योंकि यूपी में अगर बात करें तो बहुत कम सीटें बची हुई हैं। किसी कॉलेज में 5 सीटें हैं, किसी में 10 सीटें हैं, किसी में कुछ अल्पसंख्यक कॉलेज है जहाँ पे सीटें ज़्यादा हैं, पर उनका फीस का जो है काफ़ी ज़्यादा फीस उनकी है, नियर अबाउट 1 crore 85 lakhs के ऊपर फीस जा रही है। अब मैं बात करूँगा स्टूडेंट का स्कोर 200 है, 200 से भी कम है, जस्ट पास मार्किंग है, तो अगर वो ट्राई करना चाहते हैं तो एमसीसी ट्राई कर सकते हैं। अगर एमसीसी में भी उनको कॉलेज नहीं मिल रहा है तो मैं आपको बताऊँ, हमारे काउंसलर से भी बात कर सकते हैं कि कौन सा कॉलेज उनके लिए बेस्ट होगा, कौन सा कॉलेज का क्या बजट जाएगा, क्योंकि वो बजट के हिसाब से अपना कॉलेज चूज करेंगे। अगर उनको इंडिया में ही एडमिशन लेना है तो एमसीसी के कुछ कॉलेज उनको मिल भी सकते हैं, उसके लिए आप हमारे काउंसलर से बात करें। अब बात करते हैं, अगर आपका इंडिया में भी एडमिशन नहीं हो पा रहा है या आपको हो रहा है तो आपका बजट काफ़ी हाई जा रहा है, उस बजट को आप नहीं बिलोंग करते, उस बजट में आप नहीं सीट ले सकते हैं, तो मैं आपको बताऊं बिल्कुल परेशान ना हो, उसके लिए एक ऑप्शन और आपका है। जैसा कि इस बार से गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया कि सबको एग्जिट टेस्ट आपको देना देना है, कोई भी स्टूडेंट इंडिया से करे या अब्रॉड से करे या नेपाल से करे, बांग्लादेश कहीं से भी करे, उसको एग्जिट टेस्ट देना देना है। तो मैं आपको बताऊं, अगर आपका बजट यहाँ पर नहीं हो पा रहा, आप जस्ट नीट क्वालिफाई हैं, तो आप इसके बगल में इंडिया के बगल नेपाल ले सकते हैं। नेपाल का जो बजट है नियर अबाउट 45 lakhs के आपके कॉलेज स्टार्ट हो जा रहे हैं, तो वहाँ भी ले सकते हैं। सेम टेम्परेचर, सेम जैसे इंडिया के कॉलेज हैं वैसे ही वहाँ के कॉलेज हैं, तो आपको वीज़ा का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको वीज़ा या टिकट ये सब लेना होगा, आप नॉर्मल जो है बाय रोड जा सकते हैं, बाय रोड लोग जाते भी हैं, तो नेपाल ले सकते हैं। नेपाल में आप अच्छे कॉलेज भी चूज कर सकते हैं, नियर अबाउट 45 lakhs कॉलेज स्टार्ट है, पर अगर आप 60 के आसपास जाएंगे तो आपको पुराने और टॉप कॉलेज आपको मिल जाएंगे, और बजट थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ाते हैं तब आपको जो है मणिपाल वगैरह मिल जाएंगे। अब मैं बात करूंगा, अगर नेपाल का भी बजट आपका नहीं है और आप चाहते हैं कि इंडिया जैसे माहौल में आपकी पढ़ाई हो, तो मैं आपको बताऊंगा आप जो है बगल में बांग्लादेश जा सकते हैं। बांग्लादेश हमारी नियरेस्ट लोकेशन है, सेम जैसे आपका इंडिया में स्टडी होती है वैसे ही वहाँ पर स्टडी होती है, सेम डिसीज, सेम सब कुछ है। तो अगर इंडिया में एडमिशन नहीं हो पा रहा है प्राइवेट कॉलेज में, तो आपको बांग्लादेश के भी प्राइवेट कॉलेज आपको मिल जाएंगे। और जैसा कि मैं आपको बताऊँ, इस बार एग्जिट के बाद जो है इतनी डिमांडिंग कंट्री बांग्लादेश और नेपाल है, नेपाल का थोड़ा सा भी क्या है, कोई शेड्यूल नहीं आया है कैसे क्या एडमिशन प्रोसीजर क्या होगा, उसके लिए हमारे आगे वीडियो में आप देखते रहें। जैसे ही नेपाल का कुछ आता है तो हम आपको लिंक वगैरह शेयर कर देंगे, बाकी हम आपको जानकारी दे देंगे, पर नेपाल में तो ले ही सकते हैं। उसके बाद मैं बांग्लादेश की जैसे बता रहा हूँ कि बांग्लादेश में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। बांग्लादेश में क्या है कि जो वहाँ के टॉप कॉलेज हैं वो नियर अबाउट जो है $40,000 $42,000 $38,000 ऐसे की फीस स्केल पर जाएंगे, और इसको अगर इंडियन करेंसी से आप कैलकुलेट करते हैं तो नियर अबाउट 25 प्लस आपका कॉलेज जाएगा, 25 से लेकर 30 लाख के बीच में आपको बांग्लादेश के टॉप कॉलेज, टॉप प्राइवेट कॉलेज आपको मिल जाएंगे, तो आप ये ले सकते हैं। इसमें क्या है कि सेम आपको इंडिया जैसे ही पढ़ाई होगी, सेम इंडिया जैसे फैकल्टी भी आपको जो है सब कुछ वही इंडिया जैसे ही रहते हैं, और मैं आपको बताऊँ कि जो कॉलेज होंगे वो भी पुराने कॉलेज मिलेंगे। जैसा कि अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में कुछ कॉलेज आपको ऐसे मिलेंगे जिनकी 70 to 80 lakhs फीस तो है, पर वो कॉलेज ज़्यादा पुराने नहीं है, वो नियर अबाउट 3 साल पुराने, 4 साल पुराने ऐसे कॉलेज हैं, बस वो इंडिया में हैं। तो आपको बांग्लादेश में जो कॉलेज मिलेगा नियर अबाउट 25 से 30 lakh के बीच में, वो आपको नियर अबाउट 10 बैच आपके निकाल चुके होंगे, 15 साल पुराने कॉलेज, 18 साल पुराने आपको कॉलेज मिल जाएंगे। तो ये बिल्कुल अच्छा एक समझदारी का डिसीजन आपका होगा, अगर आप जो है
इंडिया में 1 करोड़ या 1 करोड़ 20 लाख आप ना देके बांग्लादेश में जाएं, उतना ही पुराना कॉलेज आपको मिल जाएगा नियर अबाउट 25 to 30 लाख्स का। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल जो है परेशान ना हो, अब्रॉड का बहुत अच्छा ऑप्शन है बांग्लादेश आपका। आप अगर इंडिया से बजट नहीं हो पा रहा, नीट स्कोर कम है, या आपको मनचाहा आपका स्कूल या कॉलेज नहीं मिल पा रहा इंडिया में, तो आप जो है नेपाल जा सकते हैं। नेपाल में भी अगर आपका बजट की प्रॉब्लम है तो आप जस्ट बगल में आपको बांग्लादेश जा सकते हैं। बांग्लादेश के लिए आप हमारे काउंसलर से कॉल कर सकते हैं कौन सा कॉलेज बेस्ट है कौन सा कॉलेज बेस्ट नहीं है। और मैं आपको बताऊं अगर बांग्लादेश की भी प्रॉब्लम्स आ रही है कि बांग्लादेश में भी आपका बजट नहीं हो पा रहा है या बांग्लादेश में भी कुछ प्रॉब्लम है, तो और भी अब्रॉड के ऑप्शन चूज कर सकते हैं। उसके बाद फिलीपींस का ऑप्शन आपका है, फिलीपींस के लिए भी कर सकते हैं। पर मैं आपको बताऊं अगर इंडिया में पहले एडमिशन हो जा रहा है तो इंडिया में एडमिशन ले लें। इंडिया में एडमिशन से कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे काउंसलर को कॉल करें, उससे जानकारी लें कौन सा कॉलेज आपके बजट में आपके स्कोर के हिसाब से बेस्ट होगा। सेकेंड चीज़, अगर इंडिया में बजट की प्रॉब्लम कई प्रॉब्लम से, तो आप नेपाल जा सकते हैं। नेपाल में 45 लाख से आपका जो बजट स्टार्ट हो जाता है और नियर अबाउट 70 लाख तक के बजट जाते हैं, पर आपको जो अच्छे कॉलेज हैं वो आपको 55 to 60 लाख में आपको मिल जाएंगे। थर्ड ऑप्शन अगर आपका ये है कि अगर आपको वहाँ भी नहीं हो पा रहा बजट की प्रॉब्लम या कोई और प्रॉब्लम है, तो आप बांग्लादेश चूज कर सकते हैं। बांग्लादेश के लिए आपको सीन क्या होगा कि वहाँ पे आपको 25 लाख से अच्छे कॉलेज स्टार्ट हो जाएंगे, आपको 30 लाख में अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे, यानी 25 to 30 लाख का 30 लाख में आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा। और मैं आपको बताऊँ जैसा कि एमसीआई ने अभी नोटिस दिया था कि कहीं भी आप बांग्लादेश फिलीपींस प्लस आपका नेपाल इंडिया कहीं भी इंटर्नशिप करके आएंगे तो मान्य है, 5 ईयर कोर्स वहाँ भी है नेपाल में भी आपका बांग्लादेश में भी, इंडिया में 4.5 है, तो 5 ईयर का ही कोर्स है, तो बिल्कुल आप परेशान ना हो। बाकी डिटेल्स के लिए हमारे काउंसलर कॉल करें। थैंक यू।